मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करेंगे ओम की। जी हाँ, ओम तीन अक्षरों के मेल से बना शब्द है। इसमें अक्षर अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ से उठना और म से मौन है। इस पवित्र शब्द ओम का उच्चारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करें तो बहुत सी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ओम का उच्चारण करने के लिए आपको किस तरह से बैठना चाहिए और किस तरह से इसका उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठ जाएं। ध्यान रखें कि इस दौरान आप एकदम सीधी पोजीशन में बैठें। आंखें बंद करके गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। आप देखेंगे कि इसके उच्चारण से आपके शरीर में धीरे धीरे कंपन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। रोजाना सुबह सिर्फ 5 मिनट ओम का उच्चारण करने से सेहत को बेहद फायदे मिलते हैं। और ये फायदे किस तरह के होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला फायदा होता है रीढ़ की हड्डी को। हर रोज के बिजी शेड्यूल में से खुद के लिए 5 मिनट का वक्त निकालें और ओम का उच्चारण जरूर करें। इससे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हर परेशानी से राहत मिलती है। बात करेंगे अच्छी नींद की। कुछ लोग रात को नींद न आने से बेहद परेशान होते हैं। अनिद्रा की इस परेशानी को दूर करने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले ओम का उच्चारण करें। इससे आपको नींद अच्छी आएगी। बात करेंगे भरपूर एनर्जी की। आजकल काम की भागदौड़ में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे सारा दिन काम करने का मन भी नहीं करता। इसीलिए सुबह के वक्त ओम का उच्चारण करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। बात करेंगे पाचन क्रिया की मजबूती की। पाचन क्रिया की गड़बड़ी से खाना पचाने में काफी परेशानी होती है और भूख भी कम लगती है। ओम के उच्चारण से पेट में पैदा हुई कंपन पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। बात करेंगे रक्तचाप नियंत्रण की। आजकल हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आम सुनने को मिलती है, जिससे सेहत से जुड़ी और भी बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हर रोज ओम का उच्चारण करें। ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। बात करेंगे अब कि किस तरह घबराहट को दूर करता है ओम का उच्चारण। जी हाँ, गर्मी या फिर किसी और वजह से घबराहट होने की परेशानी कई लोगों को होती है, तो इसके लिए ओम का उच्चारण सबसे बढ़िया तरीका है। इससे घबराहट की समस्या दूर होती है। बात करेंगे तनाव की। कुछ लोग छोटी छोटी बातों से भी टेंशन ले लेते हैं। लगातार एक ही बात को सोचकर मानसिक परेशानी आती है, जो तनाव का कारण बन जाती है। ऐसे में ओम का नियमित उच्चारण करने से तनाव और टेंशन दूर होती है और मन को शांति मिलती है। बात करेंगे तेज दिमाग की। ओम का उच्चारण दिमाग की गतिविधियों को तेज करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और चीजें याद रखने में आसानी मिलती है। बात करेंगे अब थायराइड से छुटकारे की। गले की थायराइड ग्रंथि में आई परेशानी की वजह से थायराइड की बीमारी होती है। ऐसे में अगर आप ओम का उच्चारण करें तो गले में कंपन पैदा होती है, जिससे थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक असर पड़ता है और थायराइड में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। बात करेंगे थकान को गायब करने की। कई बार काम के स्ट्रेस के कारण थकावट हो जाती है, जिससे सेहत पर भी इसका असर देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट का ओम उच्चारण करें तो थकान दूर हो जाएगी। तो ये थे फायदे ओम के उच्चारण के। और देखा ना आपने, सिर्फ 5 मिनट के ओम उच्चारण से आपको कितने सारे फायदे होते हैं। तो फिर सेहत के लिहाज से भी 5 मिनट ओम का उच्चारण जरूर करें और फिट रहें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आप इसे अपनाएंगे भी।
बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।